गोवर्धन नगर पंचायत के चुनावों को लेकर चेयरमैन पद के दावेदारों के द्वारा अपना अपना नामांकन किया जा रहा है। वहीं चेयरमैन पद के दावेदारों के द्वारा कहा गया है कि गोवर्धन की समस्याओं के समाधान को लेकर वह नामांकन कर रहे हैं। रविवार की सुबह ब्लॉक खंड के नामांकन कार्यालय पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां चेयरमैन पद की दावेदार महिला प्रत्याशी सीमा सिंह अपने पति नीतू सिंह व समर्थकों के साथ अपने हाथों में लड्डू गोपाल जी को लेकर नामांकन करने पहुंची। जब नामांकन करने के बाद वह वापस आईं तो पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि गोवर्धन नगर पंचायत क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर वह मैदान में आई हैं। जब उनके हाथों में लड्डू गोपाल जी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी को बेटे की तरह मानती हैं। जहां वह जाती हैं वह उनको सब जगह साथ लेकर जाती हैं। उनकी प्राथमिकता सबसे पहले पानी की समस्या को खत्म करना है। मुद्दे को लेकर तो ये है कि पानी की समस्या ज़्यादा है, यहाँ गली गली में पानी भरा, जब छोटे छोटे मतलब पानी का ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पे समस्या है। उसको लेकर उस समस्या को हल करने के लिए ही चुनाव में आई हूँ। अच्छा, आपके साथ जो गोपाल जी आप लेके आई हैं, इनका क्या कुछ उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप लेके आई हैं, क्या कुछ कहेंगी उसको लेकर के? ये मेरा बेटा है, मैं इसको बेटा मानती हूँ और मैं जहाँ कहीं पे भी जाऊँ मैं इसे लेकर ही जाती हूँ। आप चुनाव मैदान में पहली बार उतर रही हैं, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो स्पीच का ही सामना करना पड़ रहा है। और गोवर्धन की मूल समस्याएं, उन समस्याओं के लिए हम चुनाव मैदान में हैं, जैसे कि मूल समस्या पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सफाई की समस्या, नशेबाजी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। इन सभी समस्याओं को लेकर हम मैदान में और हम संकल्पबद्ध हैं सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं और क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही है? नहीं, हमारे सामने कोई समस्या नहीं आ रही है। हम चुनाव मैदान पहली बार हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम पहली बार जनसाधन हुए, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं और गौरक्षा विभाग में काम करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। हमको कोई समस्या नहीं आ रही है, हर व्यक्ति हमको जानता है, हम हर व्यक्ति को जानते हैं। प्राथमिकता क्या रहेंगे, क्या पहला कार्य रहेगा जो आपको पहला कार्य? मेरा गांव में पानी की समस्या है, कोई माताओं को सबसे ज़्यादा, माता बहनों को सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। नगर पंचायत में जो बदलाव की स्थिति बनी है, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए उसमें, क्या कुछ कार्य होने चाहिए, क्या कुछ कर्मचारियों की जो आप अभी जेल जो जा चुके हैं उसमें क्या कुछ बदलाव लाएंगे? जो कर्मचारियों पे अंकुश लगेगा, जो कर्मचारियों गतिविधियां गलत हैं उन कर्मचारियों के खिलाफ ऊपर रिक्वायरमेंट भेजी जाएगी और सारा सिस्टम नगर पंचायत में बिगड़ा हुआ है। जैसे कहीं जेसी भी नहीं भेजते हो, कहीं गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं है, इन सभी चीज़ों पर विषयों पर विचार किया जाएगा और सबका समस्या का समाधान किया जाएगा।